इसका मतलब है कि श्रम विभाग ने पूरा पैसा खाया। लॉकडाउन के समय में कह रहे हैं कि इंक्वायरी की, जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं और 6 महीना पहले उस वक्त लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में आप कैसे इंक्वायरी कर लिए और कैसे आपने दे दिया? तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचा सभी लोगों ने पैसा खाया है। तो इनके पदाधिकारी और या तो मंत्री जी जांच करें और मंत्री जी एक्सेप्ट करें कि मेरी गलती हुई है। वो कह रहे हैं विभाग के अधिकारियों की कोई गलती नहीं। ऑपरेशनल भैया, हमको तो समझ में नहीं आता, इस ऑपरेशनल गलती में ही तो कितने लोगों की मौत हुई है? 7 लोग हैं कि 12 लोग हैं कि 13 लोग हैं? अभी तक मलबा नहीं लगा, ये अभी तक सही लोगों के बीच जानकारी नहीं मिली है। हम उस रजिस्टर की मांग करते हैं जिस रजिस्टर के दस्तखत पर लोग भीतर आते हैं और फिर बाहर जाते हैं। वो रजिस्टर क्यों गायब है? हम इनकी बात ही माने, 7 आदमी 8 आदमी ही, तो मेरा तो मानना है कि इन लोगों ने बड़े तरीके से कुछ लाशों को गायब किया है और परिवार को मैनेज किया है फैक्ट्री के लोगों ने, और फैक्ट्री के मालिक लगातार पदाधिकारियों को और ऊपर तक मैनेज करने में लगे हैं ताकि इस मामले को रफा दफा किया जाए। लगभग बहुत सारी फैक्ट्रियां और घर धरकी है, तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या कर रही है? और जहां जहां बिहार में बिहार नियम है, आप देखिएगा कि जमीन जो प्रॉपर्टी का काम करता है वो भी बिना अनियमितता के काम कर रहा है, और उसी तरह की स्थिति इंडस्ट्रियल की भी है। तो भगवान भरोसे है, कम से कम 10-10 लाख रुपया एक मजदूर को मिलना चाहिए था और वो नहीं मिला। भारत सरकार से मात्र 50,000 रुपया की घोषणा की गई है और बिहार सरकार 4 लाख रुपये की बात। तो हमारी पार्टी 25-25 हज़ार रुपया जो मृतक परिवार है उसको हम लोगों ने, अभी हम जहाँ जा रहे हैं हम उस परिवार को करेंगे। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, पीएफ का पैसा कहाँ? प्रदूषण और बियाडा पर इंक्वायरी, 12 घंटे काम, श्रम विभाग इंक्वायरी, 12 घंटे काम नहीं, 18 घंटे काम, 16 घंटे काम और किसी भी तरह का मरम्मत नहीं, और 6,000 रुपया।